नतीजों से पहले प्रधानमंत्री मोदी का लेख। कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प, 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का विजन। प्रधानमंत्री मोदी के इस लेख में इन बातों का जिक्र है। 25 साल देश को समर्पित कर आगे बढ़ने के लिए कई बदलाव करने होंगे, इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के इस लेख में। तो नतीजों से पहले प्रधानमंत्री मोदी का जो लेख है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रख देते हैं। कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प का जिक्र इसमें किया गया है। भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया में उदाहरण है, ये भी इसमें लिखा गया है। 21वीं सदी में दुनिया को भारत से उम्मीद है, इस बात का जिक्र किया गया है। साथ ही डिजिटल इंडिया कैंपेन की हर जगह चर्चा हो रही है, इसे भी मेंशन किया गया है। भारत ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है, ये बलिदान जो है, बलिदान नहीं योगदान का समय है, ये बड़ी बात भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, इसका जिक्र किया गया है। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की नीति पर काम सरकार ने किया है। दुनिया में भारत की भागीदारी बड़ी है और इसके अलावा बिना समय बर्बाद किए बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है, इसका भी जिक्र किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो लेख है इसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए नतीजों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये बलिदान नहीं योगदान का समय है। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस लेख में किया है। साथ ही कहा गया है रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की नीति पर काम किया गया है। दुनिया में भारत की भागीदारी बढ़ी है, बिना समय बर्बाद किए बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है, साथ ही इस बात का भी जिक्र इस लेख में किया गया है। तो नतीजों से पहले प्रधानमंत्री मोदी का जो ये लेख है उसकी बड़ी बातें आपके सामने हम रख रहे हैं, जहाँ पे भारत के गवर्नेंस मॉडल की दुनिया भर में एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस लेख में कहा। तो 21वीं सदी में दुनिया को भारत से उम्मीद है, डिजिटल इंडिया कैंपेन की हर जगह जोर शोर से चर्चा हो रही है। भारत ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनकर उभर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने लेख के जरिए विकसित भारत का जो विजन बताया है उसकी एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। बिना समय बर्बाद किए बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है और क्या लक्ष्य रहने वाला है उसका जिक्र अपने इस लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अगले 25 सालों का क्या विजन रहने वाला है, किस तरीके से भारत को और आगे ले जाना है, इन तमाम बातों का जिक्र हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के इस लेख में। आमोद जी, प्रधानमंत्री ने पूरे जब से वहाँ बैठे गए और उनके मन में क्या चल रहा था उन बातों का जिक्र किया और भारत को अगले 25 सालों में कहाँ खड़ा होना है इसका भी उन्होंने जिक्र किया। इस बीच उन्होंने स्वामी विवेकानंद से लेकर सभी श्रीवलूप का जिक्र किया। उसमें उन्होंने कैसे संगम है पूरे भारत का, हर तरह की नदियाँ जो है समुद्र में मिलती है और भारत के कंपोजिट कल्चर को कैसे वो प्रतीत है, ये सब उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बातें प्रधानमंत्री ने आज कही वो ये था कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से कुछ लोग जो रिलेटिव सोच के लोग हैं भारत को पीछे खेलना चाहते हैं, उनसे बाहर निकलने की जरूरत है और भारत अभी 21वीं सदी का भारत कैसे बने इस विषय में पूरी तरह से तैयार रहना होगा। हर आदमी को अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, अपने कर्म को करना होगा और भारत को हम अगले जो है दशक में 21वीं दशक का सबसे सशक्त देश बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन तमाम विषयों को, इन तमाम बातों को उन्होंने अपने आलेख में लिखा है और अपने मन की बात उन्होंने लिखी है। ये बातें उन्होंने सब लिखी जब वो चेन्नई से दिल्ली के लिए फ्लाइट में आ रहे थे तो सारी अपनी बातें जो मन में उनकी थी उस बात को उन्होंने उसमें जिक्र किया है प्रतिमा जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आमोद जी, आप लगातार नजर बनाए रखें।